हाय गाइस, माय सेल्फ सीमा शैलजानंद, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साई एडवांस फॉर लाइफ साइंस। टुडे आई विल डिस्कस हियर पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। आइए बच्चों देखते हैं, ये पार्ट सी क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमरेज का, जो 2015 दिसंबर के सी सेक्शन में आया है। तो इस क्वेश्चन के पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो आइए पहले हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ठीक है। सोर्स हम बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सारा सोर्स वाटसन ही है, और जिस तरह से CSIR का ट्रेंड होता जा रहा है तो वाटसन पढ़ना ज़रूरी है। तो जहाँ जहाँ वाटसन बुक यूज़ हुआ है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ की कॉपी पेस्ट मिला आपको मिलेगा वाटसन का, तो कहाँ कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अपने लैंग्वेज के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज की दो तीन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं, या फिर खासियत कह सकते हैं। तो उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है करेक्ट एंड इनकरेक्ट बेस पेयर को चूज़ करना। डीएनए पॉलीमरेज के पास करेक्ट और इनकरेक्ट बेस पेयर को चूज़ करने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। वो डिस्टिंग्विश कर लेता है कि कौन सा करेक्ट बेस पेयर है और कौन सा इनकरेक्ट बेस पेयर है। ये वाटसन बुक का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं और मैं भी आपको समझा देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो डीएनए पॉलीमरेज़ यूज़ अ सिंगल एक्टिव साइट टू कैटलाइज डीएनए सिंथेसिस। मीन्स डीएनए पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं एक बार और एक वीडियो और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का इन डिटेल वीडियो जाएगा उसके स्ट्रक्चर पे। तो उसका स्ट्रक्चर पाम के जैसे होता है, और यही पाम देख रहे हैं, ये जो उभरा हुआ पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है वो डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा बेस पेयर अटैच होगा और कौन सा अटैच नहीं होगा। तो आइए पहले मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ। ये देखिए, ये ऊपर टेम्पलेट लेफ्ट साइड देखिए, करेक्ट बेस पेयर वाला टेम्पलेट है और नीचे प्राइमर है। प्राइमर से ही 3' OH से अटैच होते हैं इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का अल्फा फॉस्फेट बॉन्ड। ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड वाला करेक्ट बेस पेयर वाला, यहाँ 3' OH और अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड कैसे समझेंगे, ये देखिए ऊपर टेम्पलेट जो पुराना स्टैंड है उस पर गुआनिन है और एडिनिन है। तो गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन अटैच हो रहा है, और एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड बना के थायमिन अटैच हो रहा है। और थायमिन का स्ट्रक्चर देखिए, इसका जो OH है वो किस तरह इस बॉन्डिंग पॉकेट में कैसे फिट बैठ रहा है। तो ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि एडिनिन के साथ थायमिन ही अटैच करना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि एडिनिन के साथ थायमिन बेस पेयर बनाते हैं और गुआनिन के साथ साइटोसिन। तो ये करेक्ट बेस पेयर है, इसलिए इस बॉन्डिंग पॉकेट में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट बेस पेयर आ जाए, यहाँ गुआनिन और साइटोसिन का देखिए क्रॉस दिख रहा है आपको, यहाँ ऊपर भी टेम्पलेट स्टेट में भी एडिनिन दिख रहा है और नीचे भी एडिनिन दिख रहा है। तो एडिनिन कभी एडिनिन के साथ नहीं पेयर अप हो सकता है, तो इसका बॉन्डिंग पॉकेट जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकरेक्ट बेस पेयर कहते हैं। तो ये फिट नहीं बैठेगा, तो उसको डीएनए पॉलीमरेज डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। आइए, ये तो बुक का डायग्राम था, और थोड़ा सा अब हम अपने लैंग्वेज के हिसाब से समझते हैं। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। ये तो हम सभी जानते ही हैं। डीएनए पॉलीमरेज मॉनिटर्स द एबिलिटी ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म एन एटी और जीसी बेस पेयर। मींस एडिनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ अटैच होते हैं, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ। ओनली व्हेन अ करेक्ट बेस पेयर इज फॉर्म द 3' OH ऑफ प्राइमर, मीन्स प्राइमर का 3' OH कल ही हमने डिस्कस किया था प्राइमेज एंजाइम में, एंड अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग DNTPs अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया, इन द ऑप्टिमम पोजीशन फॉर कैटालिसिस टू अकर। अगर प्राइमर का 3' OH रहेगा और अल्फा फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड रहेगा, तभी ही ये पेयर अप हो सकता है करेक्ट बेस पेयर का। इनकरेक्ट बेस पेयरिंग लीड्स टू ड्रामेटिकली लोअर रेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर इनकरेक्ट बेस पेयर आ जाएगा तो वो रेट को लो कर देगा, स्लो कर देगा एडिशन एज अ रिजल्ट ऑफ कैटालिटिकली, और इसको कहते हैं अनफेवरेबल अलाइनमेंट। जब भी इनकरेक्ट बेस पेयर आएगा तो वो ऑब्वियस है फेवरेबल नहीं होगा,
डीएनए पॉलीमरेज के लिए अनफेवरेबल अलाइनमेंट कर देगा। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड एडिशन इज एज मच एज 10,000 फोल्ड स्लोअर देन व्हेन बेस पेयर इज करेक्ट। मीन्स करेक्ट बेस पेयर का जो रेट होता है उससे 10,000 स्लोअर रेट होता है इनकरेक्ट बेस पेयरिंग का। तो इतना स्लो अगर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो फिर कैसे डीएनए सिंथेसिस कर पाएगा। तो इसलिए उसको करेक्ट और इनकरेक्ट में डिस्टिंग्विश करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो मैंने येल्लो से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें देख लीजिए, आप अपने एंड से भी पढ़ सकते हैं। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कैटलाइज्ड बाय अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। अनलाइक मोस्ट एंजाइम्स विच हैव वन एक्टिव साइट दैट कैटलाइजेज वन रिएक्शन, डीएनए पॉलीमरेज यूजेज अ सिंगल एक्टिव साइट। यही बात जो मैंने अभी आपको समझाया वही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। देखिए, डीएनए पॉलीमरेजेज शो एन इम्प्रेसिव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, मीन्स आरएनटीपीज और डीएनटीपीज के साथ कौन अटैच होगा, इसका डिस्टिंग्विश करने का इम्प्रेसिव एबिलिटी होता है किसके पास, डीएनए पॉलीमरेज के पास। तो पहले वीडियो जो इससे पहले वाले वीडियो में था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से प्राइमिंग होता है और प्राइमिंग से किस तरह से एग्जैक्ट डीएनटीपीज ऐड होना चाहिए। तो ऑल दो आरएनटीपीज मींस आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है आर प्रेजेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 10-fold हायर कंसंट्रेशन इन द सेल, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एट अ रेट दैट इज मोर देन 1,000-fold लोअर देन द डीएनटीपीज, जो अभी मैंने आपको बताया। मींस सेल में 10-fold हायर कंसंट्रेशन के साथ आरएनटीपीज भी ढेर सारे घूमते रहते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को पता है कि हमको डीएनटीपीज ही ऐड करना है, इसलिए वो करेक्ट और इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड का डिस्टिंग्विश कर लेता है। ठीक है, ये तो हुआ करेक्ट और इनकरेक्ट बेस पेयर करेक्टरिस्टिक। एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 2015। इस बाइंडिंग पॉकेट के पास, यहाँ देखिए, एक ऊपर करेक्ट इनकरेक्ट वाले देखा और यहाँ देखिए, यहाँ पर इस बाइंडिंग पॉकेट के पास ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड्स होता है। कौन कौन सा? ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। इसको पता होता है कि यहाँ पर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है या फिर इनकरेक्ट हो रहा है। अगर करेक्ट होगा तब तो कोई बात नहीं है, आराम से अटैच हो जाएगा, ये डिस्क्रिमिनेट कर लेगा। लेकिन अगर इनकरेक्ट बेस पेयर आएगा तो वो वहाँ पर अटैच नहीं होने देगा। यहाँ देख रहा है, उसी तरह ऊपर में टेम्पलेट में आपको एडेनिन दिख रहा है और नीचे थायमिन दिख रहा है प्राइमर का, और ये ऊपर एडेनिन और नीचे थायमिन और डिस्क्रिमिनेटर एमिनो एसिड यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, दूसरे में एडेनिन आपका प्राइमर टेम्पलेट का दिख रहा है और थायमिन प्राइमर का, और ऊपर एडेनिन आपका टेम्पलेट का दिख रहा है और नीचे यूरिडीन दिख रहा है, मीन्स आरएनटीपीज है। आपको पता होगा डीएनटीपी एनटीपीज में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन होते हैं, और आरएनटीपीज में थायमिन नहीं होता, उसके जगह यूरासिल होता है वहाँ। तो देखिए, यहाँ पर जो डीएनटीपीज और आरएनटीपीज के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। डीएनटीपीज में केवल 3' OH होता है, इसीलिए उसको कहते हैं डी ऑक्सी, और आरएनटीपीज में 2' एंड 3' दोनों OH होता है, इसीलिए आरएनटीपी जो है बिल्कुल सही से नहीं एडजस्ट हो पाता है। ये डिस्क्रिमिनेटर एमिनोसिड उसको डिस्क्रिमिनेट करके हटा देता है और बता देता है कि ये गलत न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, आइए देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बताया है डीएनटीपी और आरएनटीपी का। यहाँ देखिए, डीएनटीपी में आपको एक OH दिख रहा है 3' OH पे, और आरएनटीपीज में आपको 2 OH दिख रहा है 2' पे भी और 3' पे भी। ये एक डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर भी है आपको डीएनए और आरएनए के बीच में। डीएनए पॉलीमरेज शो एन इम्प्रेसिव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आरएनटीपीज एंड डीएनटीपीज, ऑल्दो आरएनटीपीज आर प्रेजेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 10-fold हायर कंसंट्रेशन इन सेल, दे आर इनकॉर्पोरेटेड एट अ रेट दैट इज मोर देन 1,000-fold लोअर देन द डीएनटीपीज। ये लाइन मैं क्यों रीड कर रही हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। This discrimination is mediated by steric exclusion of RNTP, और यही discrimination amino acid जो है, जो glutamate है, वो steric exclusion कर देता है 2' OH का from DNA polymerase active site का।
इन डीएनए पॉलीमरेज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट कैन नॉट एकोमोडेट टू प्राइम ओएच ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए राइट साइड वाला दो रेड से दिख रहा है ना ओएच, वो टू प्राइम ओएच है, वो एकोमोडेट नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है, क्योंकि हमको पता है कि थ्री प्राइम ओएच होगा किसका, प्राइमर का, और इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का अल्फा फॉस्फेट अटैच होगा। दिस बाइंडिंग पॉकेट, ये तो लाइन, दिस बाइंडिंग पॉकेट इज ऑक्यूपाइड बाई डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट भी होता है। यहाँ से बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन आया है, अभी हम आपको क्वेश्चन पर भी ले चलेंगे। इफ ग्लूटामेट इज डिस्प्लेस्ड, अगर हम ग्लूटामेट को डिस्प्लेस कर दें बाई एलेनिन, देन दिस डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी डिक्रीजेज, देन ये जो डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी है वो कम हो जाएगा, किसका, डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट देख लिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। आप देखिए बिल्कुल आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। ऑल द राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स मीन्स आर एन टी पीज आर प्रेजेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 10-fold हायर कंसेंट्रेशन देन डी एन टी पीज इन द सेल, मीन्स सेल में 10-fold हायर कंसेंट्रेशन के साथ आपका आर एन टी पीज भी घूम रहा है और डी एन टी पीज भी घूम रहा है, बट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इंटू डी एन ए एट अ रेट दैट 1000-fold लोअर देन डी एन टी पीज। लेकिन ये जो इनकॉर्पोरेशन का रेट होगा किसका, आर एन टी पीज का, वो 1000-fold लोअर होता है इन कंपेरिजन टू डी एन टी पीज के, मीन्स डी एन ए के न्यूक्लियोटाइड से। दिस इज बिकॉज, तो इसका आंसर पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। पहला देखिए, डी एन ए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डी एन टी पीज एंड आर एन टी पीज, ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि डी एन ए पॉलीमरेज एफिशियंटली डिस्क्रिमिनेट करता है। बी देखिए, डी एन ए पॉलीमरेज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये भी गलत है। सी देखिए, डी एन ए पॉलीमरेज एफिशियंटली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन आर एन टी पीज एंड डी एन टी पीज बिकॉज इट्स न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट कैन नॉट एकोमोडेट अ टू प्राइम ओएच ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से आंसर समझाती तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको इन डिटेल समझाई, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के पास डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी होता है, तो ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करे, और ये जो बाइंडिंग पॉकेट है वो टू प्राइम ओएच तो आरएनए में ही होता है, तो उस बाइंडिंग पॉकेट के साथ ये टू प्राइम ओएच एडजस्ट नहीं कर पाता है। देखिए एक बार अगेन मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है करेक्ट और इनकरेक्ट का, ठीक है, और दूसरा देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटर अमीनो एसिड है ग्लूटामेट, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर देता है, और ये जो टू प्राइम ओएच राइट साइड में देखिए यूरिडीन किसका है, यूरेसिल आर एन टी पीज में पाया जाता है, तो उसका टू प्राइम ओएच यहाँ पर एकोमोडेट नहीं हो पाता है, इसलिए ये क्रॉस सेक बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको यहाँ देखिए ये लाइन पढ़िए, इन डी एन ए पॉलीमरेज द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट कैन नॉट एकोमोडेट अ टू प्राइम ओएच ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, यही सेम लाइन अभी आंसर में था। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको यही सेम लाइन था, ये देखिए, डी एन ए पॉलीमरेज शोज एन इम्प्रेसिव एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर एन टी पीज एंड डी एन टी पीज although RNTPs are present at approximately 10-fold higher concentration in the cell, means higher concentration के साथ RNTPs भी घूम रहा होता है सेल में, लेकिन DNA polymerase के पास ये ability होता है कि वो DNTPs ही add करें। तो इस तरह से देखते हैं, आप standard books को थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है, बच्चे ज़रूर भागते हैं, जैसे biochemistry में हो गया तो Leninger नहीं पढ़ना चाहते हैं, सेल बायोलॉजी हो गया तो ब्रूस अल्बर्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आप लोग बुक पे भी ध्यान दीजिए, डायरेक्ट बुक पे आना मुश्किल होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बुक का कॉन्सेप्ट भी समझाते जा रही हूँ। अगर आपको कुछ भी इसमें एडिशनल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट या फिर ये एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।